गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज ब्लड। इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड आवर टॉपिक दैट इज ट्रांस सर्कुलेटरी सिस्टम इन हुमेंस। ठीक है, हुमेन के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। इसमें हमने ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में स्टडी करना है। तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट ब्लड। सो ब्लड इज अ फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग डिफरेंसेस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या एक फ्लूइड है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लो करता है और क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है, द एवरेज अडल्ट हैज़ अबाउट 4 to 5 liters ऑफ ब्लड। कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट की बॉडी में कितना लीटर ब्लड होना चाहिए, कम से कम भी 4 to 5 liters। एंड इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। कि जितना हमारा टोटल बॉडी वेट है, किसी का 40 kg है, 50 kg है, तो उसका 8% क्या होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए। 8% उसमें कितना होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सपोज किसी का 100 kg वेट है, ठीक है, तो उसके अंदर कम से कम भी जो 8 किलोग्राम वेट है जो उसका, वो क्या होना चाहिए, ब्लड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कम से कम 8 किलोग्राम बॉडी उसकी किससे कंसिस्ट होनी चाहिए, बट ब्लड से। ठीक है, विदाउट ब्लड द ह्यूमन बॉडी वुड स्टॉप वर्किंग। कि ब्लड के बिना क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करना बंद कर देगी, बिल्कुल स्टॉप कर देगी। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड। कुछ ब्लड के मेन फंक्शंस है, क्या क्या है ब्लड का, हमारी बॉडी में नेसेसरी क्यों है ब्लड, उसके कुछ फंक्शंस हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हर एक बॉडी के पार्ट्स में। एंड ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स विच इज लेटर एक्सहेल्ड। कि जब क्या करता है, ऑक्सीजन को कहाँ से लंग्स से ऑल पार्ट्स तक क्या करता है, कैरी करता है। ऑक्सीजन हर एक बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद कौन सी गैस रिलीज होती है वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड। ठीक है, देखो आपको पता है जब हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है, लंग्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन को क्या बॉडी के हर एक पार्ट तक, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाना, हर एक बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना, वो क्या होता है, किसकी हेल्प से होता है, वो हमारे ब्लड की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से होता है, ब्लड की हेल्प से। अब क्या होता है, बॉडी के हर एक पार्ट में जो फूड है, फूड स्टोर है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर है हमारा फूड, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब आपको पता है जब हमारी ग्लूकोज किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, तो क्या प्रोवाइड करती है यहाँ से, एनर्जी। की बॉडी के हर एक पार्ट्स को क्या मिलती है, एनर्जी। और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है यहाँ से, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से फिर क्या है, ब्लड की हेल्प से ही क्या होती है, बॉडी के हर एक पार्ट से कलेक्ट की जाती है और वापस से कहाँ तक भेजी जाती है, लंग्स तक पहुँचा, ट्रांसपोर्ट की जाती है। और लंग्स क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू फिर मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू का एक्सहेल्ड हो जाती है थ्रू नोज। ठीक है, ये प्रोसेस आप सारे स्टडी कर चुके थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे ब्लड का, इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कि ये क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, फूड हमारा कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके हमारा सारा फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कौन पहुँचाता है, हमारा ब्लड। ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर देयर रिमूवल। कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनको कहाँ तक, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड, किडनी तक। ठीक है, सारा वेस्ट मटेरियल किडनी तक कौन लेके जाता है, ब्लड। इट हेल्प्स टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना ज़्यादा लो होता है ना ज़्यादा हाई होता है, वो भी किसकी वजह से, ब्लड की वजह से। इट आल्सो कैरीज हॉर्मोन्स एंड वेरियस एंटीबायोटिक्स। एंटीबॉडीज टू द प्लेस वेयर दे एक्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं ब्लड के अंदर, और इन हॉर्मोन्स और या फिर एंटीबॉडीज कहाँ से, जैसे आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हो तो उसमें क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है,
उनको भी वो कान तक लेके जाता है जहाँ पे उनको एक्ट करना है, जहाँ पे उनको फंक्शन करना है, ठीक है। तो वो भी सारी किसकी हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होती हैं, ब्लड की हेल्प से, ठीक है। तो ये सारे हमारे ब्लड के फंक्शन थे हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड, की हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इफ़ यू यू वर टू सी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड स्मीयर अंडर द माइक्रोस्कोप, यू वुड बी एन अमेज टू फाइंड द ब्लड इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सेल्स। कि अगर आपने कभी भी अपने ब्लड को देखा हो माइक्रोस्कोप के अंडर, तो आपके जो मतलब ब्लड है, ब्लड किस किस से कंसिस्ट होता है, एक लिक्विड मिक्सचर होता है और सेकेंड क्या होते हैं, सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, द लिक्विड कंपोनेंट कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। लिक्विड जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। एंड द जो सॉलिड, और ये कितना होता है 55%, और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ये कितनी होती है 45%, एंड सेल फ्रेगमेंट्स। ईच वन ऑफ दिस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर बॉडी। कि सबका अपना अपना एक डिफरेंट रोल होता है, जैसे ब्लड प्लाज्मा का, ब्लड सेल्स का, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल है, हम स्टडी करेंगे वन बाई वन। फर्स्ट क्या, प्लाज्मा, इट इज़ द फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट इज़ पेल येलो इन कलर। देखो आप मतलब आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का कलर रेड होता है, तो आप सपोज भी नहीं कर सकते कि उसमें येलो कलर भी होगा। बट जो इसके अंदर प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा 90% ब्लड है उसके अंदर क्या होता है आपका कलर, कलर येलो कलर का होता है, और किस और क्या होता है 90% वाटर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो रेस्ट पार्ट है उसके अंदर क्या क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स, आयंस, ये जो आपने पोटेशियम एलिमेंट्स रीड कर रखे हैं ना, तो ये कई सारे एलिमेंट्स हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर। उसके साथ साथ जैसे आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है, फूड आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, तो और सारे भी हमारे जैसे न्यूट्रिएंट्स भी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर, ठीक है। साथ के साथ जो हमारी बॉडी से वेस्ट रिलीज होते हैं वो भी किसके थ्रू आते हैं, ब्लड के अंदर। तो जब भी आप ब्लड के एक ड्रॉप को आप यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स भी, वेस्ट मटेरियल्स भी, और सारे एलिमेंट्स भी किसके अंदर मिलते हैं आपके, ब्लड के अंदर, ठीक है।